ओके सो वी आर स्टार्टिंग विद एस टी आर वी एन टी आर एंड डी एन ए फिंगरप्रिंटिंग है क्या देखते हैं आगे। ओके सो मेरा जो गोल है आज एस टी आर वी एन टी आर है एंड जीन थेरेपी है और वी कैन स्टार्ट विद ऑल्सो ह्यूमन जीनम प्रोजेक्ट। ओके देर आर मैनी थिंग्स लाइंड अप। ओके सो वट इज एस टी आर? एस टी आर क्या होता है? शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। सो पहले हम लोग को वर्ड ब्रेक डाउन करना पड़ेगा शॉर्ट एंड टैंडम रिपीट्स। ओके सो वट इज टैंडम रिपीट्स? तो टैंडम रिपीट ऐसा होता है न्यूक्लियोटाइड का, होपफुली आवाज़ सुनाई दे रहा है। यस ओके सो टैंडम रिपीट जैसे फॉर एग्जाम्पल तो जो एस टी आर होते हैं उसमें 2 to 6 base pair के टैंडम रिपीट्स होते हैं, 2 to 6 मैक्सिमम 6। ओके टैंडम रिपीट्स होते हैं। सो व्हाट इज टैंडम रिपीट्स? जैसे फॉर एग्जांपल ये एटी सीक्वेंस है, ठीक है। ओके तो ये ये हो गया क्या बोलते हैं, एक सीक्वेंस हो गया, ठीक है। जैसे ये डीएनए, अभी मैं बोलूँ कि ये टैंडमली रिपीटेड है, मतलब क्या? ये सीक्वेंस टैंडमली रिपीटेड मतलब ये एटी एटी एटी। ओके तो कितने एटी हो गए ये आपके? 1 2 3 4, ठीक है। ओके सो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ एटी, और इधर 4 repeats है तो इधर मैं 4 लिख दूंगा। समझ में आ रहा है? यस क्यों ऊपर से यार बता अच्छा तुम्हें। यस ओके सो क्या हुआ कि जो सीक्वेंस है हमारा इट इज बीइंग टैंडमली रिपीटेड, मतलब एक के पीछे एक, ठीक है, एक के पीछे एक आपका रिपीटेड है, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे सी ए जी है, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके एंड सी ए जी के इट इज बीइंग रिपीटेड। ओके तो ये 3 nucleotide लॉन्ग है, ठीक है। ये इट इज विद इन दिस क्राइटेरिया, 2 to 6 base pair का होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 base pair है और ये कितने टाइम रिपीटेड है? 3 times, ठीक है। ओके तो मैं क्या लिख सकता हूँ? सी ए जी एन। ओके सॉरी इधर एन इज इक्वल टू 3 होगा। ओके एन इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अगर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सी ए टी इधर एन, ठीक है, ए टी एन जो भी। सो जो भी सीक्वेंस होगा इधर एन लिख सकता हूँ, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिपीट्स। ओके तो डिजीज कंडीशन में क्या होता है? डिजीज कंडीशन में क्या होता है, जैसे हंटिंगटन डिजीज हो गया, उसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, ठीक है, एंड वो वेरिएबल रिपीट्स दिखाता है। तो मतलब डिजीज इंडिविजुअल्स में वो नॉर्मल इंडिविजुअल में 20 तक रिपीट दिखाएगा, ठीक है। डिजीज इंडिविजुअल में वो 35 40 दिखा सकता है। ओके ओके एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हो गया एक्स वाई। ओके बट और भी जो सीवियर केसेस आएंगे होंगे, अभी हंटिंगटन डिजीज में भी सीवियरिटी केस रहता है, तो जो अगर 40 रहेगा तो उसको 50 60 ईयर्स के बाद पैदा होने के बाद पता चलेगा कि उसमें उसको ही सफरिंग फ्रॉम हंटिंगटन डिजीज, हंटिंगटन डिजीज। ओके ओह आई डोंट नो माई प्रोनाउंसिएशन में भी माइट बी रॉन्ग। ओके देर इज ऑल्सो अनदर, ठीक है। तो उसमें आपका सीवियरिटी किसमें सबसे ज़्यादा रहती है? जिसमें 80+ रहेगा, ठीक है, 80+ रिपीट्स, ठीक है, 80+ टैंडमली रिपीटेड है, मतलब जैसे सी ए जी है इट इज़ बिंग रिपीटेड टैंडमली 80 times, ठीक है। मैं ये खाली ये नहीं बता रहा कि अगर ये 80 times इधर एक ही सीक्वेंस में, ठीक है, ये एक बार ही ऐसे 80 बार मतलब एक ही जगह पे 80 बार रिपीटेड हो सकता है, ठीक है, एंड इट कैन दिस पूरा का पूरा सीक्वेंस, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस कैन बी रिपीटेड
मैनी टाइम्स इन डी एन, ठीक है, ये पूरा, अगर जैसे ये ए टी है फॉर एग्जाम्पल, मैं बता रहा हूँ, अगर ए टी इज रिपीटेड 80 टाइम्स, ठीक है, तो कितने न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, 160 न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, है ना। इधर 2 न्यूक्लियोटाइड्स है, कितने बार रिपीटेड है, 80 टाइम्स, 2 × 80 160 हो गए, ठीक है। तो दिस कंप्राइजेज ऑफ 160, जो सिक्वेंस है ये 160 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हंटिंगटन डिजीज है, तो उसमें उतना ही बड़ा आपका जो सीक्वेंस या सेगमेंट आ जाता है, ओके। एंड ये कैसे इफेक्ट करता है, वी विल बी सीइंग दिस इन एपिजेनेटिक्स, ठीक है। हंटिंगटन डिजीज क्या सीक्वेंसेस में चेंजेस आते हैं, तो वो कैसे इफेक्ट करता, वो भी हम लोग उसमें देखेंगे, ठीक है, एपिजेनेटिक्स के अंदर देखेंगे। सो होपफुली यू गॉट द वर्ड व्हाट इज टैंडमली रेपिटेशन। तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, वो रिपीट 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 हो रहा है, तो एक के पीछे एक हो रहा है, ऐसा नहीं है कि गैप्स में हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज टैंडम रिपीट्स, ठीक है, ओके। ऐसा नहीं है कि इधर ए टी है और बीच में एक्स वाई ब्ला 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 जीन्स है, और उसके तो इस आप बोलोगे कि ये पूरा का पूरा, नहीं ये नहीं होता, ठीक है, ओके। दैट इज सेपरेट सीक्वेंस। अगर स्पेसिफिक सीक्वेंस इज बीइंग रिपीटेड टैंडमली, मतलब एक के पीछे का, ऐसा नहीं है कि इधर बीच में गैप है, नहीं, ठीक है, मतलब यह दूसरा सीक्वेंस है, एक के पीछे एक रिपीटेड है, तो उसको बोलते हैं टैंडम रिपीट्स, ओके। तो होपफुली आई एम क्लियर। अभी एसटीआर में क्या होता है, एसटीआर इज शॉर्ट टैंडम रिपीट, इसको माइक्रो सैटेलाइट भी बोला जाता है, ठीक, ओके। माइक्रो सैटेलाइट भी बोला जाता है, माइक्रो मतलब स्मॉल, स्मॉल क्यों बोल रहे हैं, शॉर्ट टैंडम रिपीट मतलब ये 2 to जो रिपीट है वो 2 to 6 बेस पेयर, मैक्सिमम 6 बेस पेयर लॉन्ग है, उससे ज़्यादा नहीं, ओके। देर इज ऑल्सो अनदर वर्ड विच इज कॉल्ड एज वी एन टी आर, ठीक है, ये है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। तो टैंडम रिपीट हम लोग को वर्ड समझ रहे हैं, वेरिएबल नंबर मतलब, तो हम लोग ने एस टी आर का डिफाइन किया था, इट इज़ अ 2 to 6 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। बट वेरिएबल नंबर इज वेरिएबल वी एन टी आर में 7 बेस पेयर से लेके टेंस ऑफ बेसिस रह सकते हैं, मतलब 20-30 तक रह सकते हैं, एक बार देख लेना बुक में, ओके। सो ये काफ़ी बड़े सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। अच्छा आप बोलोगे कि ठीक है ये, तो ये फिर हम लोग को इसका पढ़ के फायदा क्या, ये है कि आपका डिजीज जैसे मैंने बताया हंटिंगटन डिजीज में मल्टीपल रिपीट्स होते हैं, मल्टीपल टैंडमली रिपीट्स होते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल में जिसमें कम रहता है, ठीक है। तो उसको जो डिजीज को हम लोग प्री नेटली, अभी आप होपफुली समझ रहे हैं, प्री नेटली या पोस्ट नेटली हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग एज एन जो डॉक्टर्स है या रिसर्चर्स है, दे कैन सजेस्ट कि व्हाट व्हाट वुड बी द मोड ऑफ एक्शन, ओके। सो ये पढ़ना भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो इसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली बाय पीसीआर एनालिसिस, पीसीआर हो गया, पीसीआर एम्पलीफाई किया और चेक किया, ठीक है, एंड आपने अगारो जेल रन कर दिया, तो पीसीआर एंड अगारो जेल, ओके, क्योंकि ये शॉर्ट रिपीट से, ठीक है, 2 to 2 से कितना होगा, 160 न्यूक्लियोटाइड होगा, 300 मैक्सिमम होगा, ठीक है। वी एन टी आर आर क्वाइट बिग, उसको पीसीआर से हम लोग डिटेक्ट नहीं करते, बट आई थिंक होना चाहिए अभी, ओके। बट इट इज़ बीइंग मोस्टली डिटेक्टेड यूजिंग पावर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, आरएफएलपी बेसिकली, ओके, एंड यूज ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग में आरएफएलपी आ जाता है, सिंपल, ओके। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये कितनी बार रिपीटेड है वी एन टी आर, बट इसका जो मोड ऑफ जो एनालिसिस है इट इज़ डिफरेंट। एस टी आर के लिए पी सी आर अगर चले इलेक्ट्रोफोरेसिस यूटिलाइज करेंगे, और अगर वी एन टी आर रहेगा तो काफ़ी बड़े सिक्वेंसेस रहेंगे, तो आर एफ एल पी सदर्न ब्लॉटिंग यूटिलाइज करेंगे, ठीक है ना। सदर्न ब्लॉटिंग इज रेयरली यूज, ठीक है, ये आउटडेटेड हो चुका है,
सिंपल। ओके सो होपफुली इतना समझ में आया कि ऊपर से जा रहे हो बता दो। यस समझ में आ रहा है ऊपर से जा रहा है? समझा सर। यस सर। ओके ठीक है। सो हम लोग थोड़ा सा बुक का बुकिश भी देख लेते क्योंकि तुमको अपने मन से लिखोगे एग्जाम में तो फिर डैट वुड बी प्रॉब्लमेटिक। यू हैव टू यूज टेक्निकल वर्ड्स ऑलवेज। ओके एट ईच एसटीआर लोकस एसटीआर सीक्वेंस कैन बी रिपीटेड एनीवेयर फ्रॉम फ्यू टाइम्स टू अबाउट 100 times। 100 times तक जा सकता है ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर 100 times तक जाएगा तो सीक्वेंसेस काफी बड़े हो जाएंगे। ओके तो ऑब्वियसली यू नो अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्ड पढ़ाई आगे करेंगे। इसमें क्या बोला कितने टाइप के एसटीआर हैं और कितना रिपीट्स है, मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से सीक्वेंस करके पता चला कि कितने एसटीआर हैं और कौन से कितने लेंथ के एसटीआर हैं। ओके तो इसमें क्या पता है 1.28 lakhs, 1 point बोला है ठीक है। 2 nucleotide sequences काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है 1.2 lakh, इतने रिपीट्स हैं। 3 nucleotides का 8,740, 4 nucleotide का 23,000 विच इज़ मोर ठीक है। ओके 5 nucleotide का 4,300, 6 nucleotide का देखो 230 रिपीट्स है ह्यूमन जीनोम में ठीक है। ओके और इसमें क्या बोला है जो 6 nucleotide रिपीट्स है वो ज़्यादातर आपको टेलोमियर्स में दिखता है। सो एवरीवन नोस अबाउट टेलोमियर। ओके होपफुली सबको पता है टेलोमियर इज नथिंग बट एंड्स ऑफ क्रोमोसोम। ओके तो उधर रिपीट्स रहेगा तो फिर जो क्रोमोसोम को एक्सटेंड किया जा सकता है जिससे इमोर्टेलिटी मिली जा सकती है मिल सकती है। आगे चलते ओके सो हाँ अभी अगर हम लोग इधर आ जाते हैं उसका डिटेक्शन कैसे करते तो इधर आ जाते हैं राइट साइड। ओके तो इसमें हम लोग क्या यूटिलाइज कर रहे हैं पीसीआर ठीक है। पीसीआर एनालिसिस किया तो क्या होता है जो आपका जो ये रिपीट्स है अभी ये रिपीट्स किधर है ये जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 nucleotide रिपीट्स है GATA दिख रहा है आपको। ओके जस्ट अ सेकंड। ओके ये रिपीट है दिस सीक्वेंस इज नोन जो इसको फ्लैंक कर रहा है फ्लैंक मतलब लेफ्ट साइड 5' साइड में 3' साइड में। तो वट इज फ्लैंकिंग इधर आ जाता हूँ मैं तो वट इज फ्लैंकिंग जैसे ये मेरा टारगेट DNA ठीक है मुझे फॉर एग्जाम्पल इसका सीक्वेंस के बारे में कुछ पता नहीं। आजू बाजू के सीक्वेंसेज अगर मुझे नोन है तो दिस इज कॉल्ड ये अगर ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो इसको मैं बोलूँगा फ्लैंकिंग रीजन्स ठीक है। तो इसको 5' बोल सकता हो या 3' फ्लैंकिंग रीजन। ओके सो ये हम लोगों ने आई थिंक पॉपुलेशन जेनेटिक्स में भी पढ़ा है। तो ये फ्लैंकिंग रीजन है तो ये अगर मुझे इसके सीक्वेंसेस नोन है ठीक है सीक्वेंसेस आर नोन। ओके इसका और इसका इसका सॉरी अगर मुझे इसके सीक्वेंसेस नोन है तो मैं इसके अंगेंस्ट एक प्राइमर यूटिलाइज करूँगा तो ये इसके लिए ये फॉरवर्ड प्राइमर हो जाएगा और इधर के लिए मैं रिवर्स यूटिलाइज करूँगा तो ये रिवर्स प्राइमर हो जाएगा ठीक है। फॉरवर्ड प्राइमर रिवर्स प्राइमर तो जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा अगर जैसे फॉर एग्जांपल इधर ये केस में कितना बोल रहा है इधर आ जाता मैं ठीक है। तो GATA सीक्वेंसेस है ठीक है। अभी इसमें बोला है अलील 1 है मतलब एक टाइप का अलील है जैसे एक फादर से मिला ठीक है। तो ये 6 times रिपीटेड है ये सीक्वेंस GATA इज रिपीटेड 6 times मतलब कितना हो गया 6 × 4 कितना हो जाता है 24 ठीक है। तो मतलब कितना बेस पेयर लॉन्ग है 24 बेस पेयर लॉन्ग सिंपल ठीक है। 6 times रिपीटेड है 4 nucleotide लॉन्ग है तो 6 × 4 = 24 तो 24 nucleotide लॉन्ग है तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ठीक है। अभी अलील 2 है जिसमें इंस्टेड ऑफ 6 times
इट इज रिपीटेड, दिस सिक्वेंस इज रिपीटेड 10 times, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली सेम चीज़ यूटिलाइज करूँगा, PCR से एम्पलीफाई करूँगा मेरा टारगेट DNA, ओके। और ये कितना हो गया, 4 × 10 है ना, 10 times रिपीटेड 40, तो ऑब्वियसली 24 बेस पेयर एंड 40 बेस पेयर, तो दोनों का वेट इज डिफरेंट है ना, मॉलिकुलर वेट इज डिफरेंट, तो कौन सा सबसे आगे भागेगा, ऑब्वियसली 6 रिपीट्स वाला। अभी देखते इधर, ओके तो ये इधर है 6 न्यूक्लियोटाइड, 10 न्यूक्लियोटाइड्स 10 टाइम रिपीटेड इधर है, ठीक है, 6 सॉरी 6 टाइम रिपीटेड इधर है, ओके, एंड 10 टाइम्स जो रिपीटेड है वो इधर है, ओके। यू नो अबाउट 6 एंड 6 ऐसा लिखा हुआ है, 10 एंड 10 लिखा हुआ है, एंड 6 एंड 10 लिखा है, सो इससे क्या पता चल रहा है, यस 6 6 से क्या पता चल रहा है, ये 10 10 से क्या पता चल रहा है, यस कल बताया था मैंने, होमोजाइगस, यस करेक्ट, एकदम करेक्ट। सो बेसिकली द ऑर्गेनिज्म इज होमोजाइगस फॉर दैट थिंग, ठीक है, तो मतलब मदर में भी 6 टाइम रिपीट है, फादर में भी 6 टाइम रिपीट, इधर क्या मदर में भी 10 टाइम रिपीटेड है ये सीक्वेंस, और फादर में भी ये सीक्वेंस रिपीटेड है 10 टाइम्स, बट अगर हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल रहेगा तो एक हो सकता है कि एक कम रिपीट रहेगा, एक में ज़्यादा रिपीट रहेगा, ठीक है, तो फिर दोनों में ये पॉजिटिव थी। ऑब्वियसली जो बैंड का जो क्या बोलते हैं साइज रहेगा, डैट वुड बी वेरी इट वुड बी ऑलमोस्ट हाफ, ठीक है, इधर आपको अच्छा थिक बैंड दिखेगा, इधर थिन बैंड दिखेगा, ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये आप इजीली एनालिसिस कर सकते हो, अगर STR है तो आप PCR के थ्रू, PCR है ना अगर जेल से, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो एक पर्टिकुलर डिजीज को, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट है VNTR, सेम चीज़ है, VNTR में क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स है, और ये 7 to many बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है, फ्यू टेंस ऑफ बेस पे लेंथ रिपीट्स हो सकता है। अभी देखो अगर मैं बोलूँ कि जो 50 बेस पेयर का अगर DNA VNTR, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, 50 बेस पेयर का VNTR एंड इट इज़ रिपीटेड 10 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा डायरेक्ट, काफ़ी बड़ा है, ठीक है, ओके। सो ये एलेक जेफरी, ओके, सो एलेक जेफरी अपने नाम सुना है कहीं, यस एलेक जेफरी, ओके, सो ये याद रखो, आगे हम लोग जब DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे, DNA फिंगरप्रिंटिंग, तो उसमें ये बंदा का नाम आएगा, ठीक है, उसने डिस्कवरी उसने इन्वेंट किया, डिस्कवर नहीं इन्वेंट किया, ओके, सो VNTR भी इसने इन्वेंट किया, सो दिस वॉज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन जिसने उसने डेमोन्स्ट्रेट किया। अभी इसमें क्या बोला, there far fewer VNTR loci in the human genome than STR loci, okay, तो जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा था ये कितनी बार रिपीटेड है, जैसे 1,28,000, right, 23,000, 8,000, 4,000, उसके कंपैरिजन में VNTR काफ़ी कम है, ठीक है, रेयर इवेंट है, कहीं कहीं जगह तो एक ही बार रिपीट हो सकता है, एक सीक्वेंस खाली एक ही बार रिपीट होगा पूरे जीनोम, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़े डिटेल में जाएंगे, होपफुली समझ रहे आप लोग सबको, ओके। सो इसमें क्या पता है, जो VNTR है इट इज इसके एनालिसिस के लिए PCR इज नॉट अ कन्वीनियंट मेथड, इसलिए हम लोगों को क्योंकि जो ओवरऑल लेंथ ऑफ DNA इज मच मोर फॉर PCR टू हैंडल, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि वी यूज रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, जैसे रेस्ट्रिक्शन प्राइम RFLP, ठीक है, एंड उसके साथ हम लोग सदर्न ब्लॉटिंग यूटिलाइज करते हैं कम, ठीक है, तो सदर्न ब्लॉटिंग में बेसिकली RFLP आ जाता है, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन आ ही जाता है, ठीक है, ओके। फिर तो इसमें क्या हुआ, पहले आपने जीनोमिक DNA आइसोलेट किया और उसको ट्रीट किया विद रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, ठीक
ठीक है, या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूटिलाइज करके उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं। अभी इससे हम लोग आरएफएलपी रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन क्यों यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन में इधर नहीं दिया कोई डायग्राम, तो इधर मैं बता देता हूँ व्हाइट बोर्ड में। तो फॉर एग्जांपल इसमें क्या बोला है कि जैसे ये डीएनए, ठीक है, और ये तुम्हारा वीएनटीआर, ओके, इट इज बीइंग रिपीटेड, ठीक है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम रिपीटेड है, ठीक है, और ये आपका हो सकता है 50 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है, ठीक है, एग्जांपल दे, तो 50 × 6 कितना हो गया, 300 बेस पेयर, ओके, कहीं कहीं जगह हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ ये 20 बेस पे 20 टाइम्स रिपीटेड, ठीक है, तो 50 × 20 कितना हो गया, 1000 बेस पेयर, ठीक है, तो पीसीआर को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इफ वी कैन रिकॉग्नाइज कि इधर कहीं रेस्ट्रिक्शन इन साइट्स है, इधर और इधर, इसको मैं डिफरेंट से लेबल कर देता हूँ, इधर रेस्ट्रिक्शन इन साइट्स है, तो मैं इसको आइडेंटिफाई करके इसको कट मार दूंगा, ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर एक एक में सीक्वेंसेस लाइक फॉर एग्जांपल ये 500 बेस पेयर का सीक्वेंस है, ठीक, ओके, दूसरे अलील में क्या हो सकता है, इंस्टेड ऑफ 500 ये जो है वो 1200 बेस पेयर लॉन्ग हो सकता है, ठीक है, तो इसको फिर मैं आगे इस सदर्न ब्लॉटिंग एनालिसिस के लिए यूटिलाइज करूँ, ओके, तो एक बार रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया मैंने एंड फिर उसको सदर्न ब्लॉटिंग के लिए डाला, ठीक है, सदर्न ब्लॉटिंग से फिर मुझे ऑब्वियसली आई विल बी यूजिंग प्रोब्स, तो ये प्रोब्स मेरे रेडियो एक्टिव लेबल हो सकते हैं या फ्लोरेसेंट या ल्यूमिनेसेंट लेबल हो सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूटिलाइज करने का, ठीक है, सेपरेट करने का जेल में, इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ेगा, फिर मेम्ब्रेन फिल्टर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर प्रोब्स यूटिलाइज करना, ठीक है, जो कि वीएनटीआर अलील को ही बाइंड करेगा, और किसी को नहीं बाइंड करेगा, वीएनटीआर अलील को बाइंड करेगा, आजू बाजू नहीं बाइंड करेगा, ठीक है, जैसे पीसीआर में क्या था, वो फ्लैंकिंग रीजन को बाइंड कर रहा था, नॉट टू टारगेट रीजन, ठीक है, तो ये इधर क्या होगा, प्रोब आपका डायरेक्ट जाके टारगेट को बाइंड करेगा, ठीक है, सो आपको अगर समझा नहीं तो ये क्या होगा, जैसे मैं प्रोब्स यूटिलाइज करूँगा, तो जैसे ये ए, ए, ये एक रिपीट है, ठीक है, वैसे ये टैंडमली रिपीटेड है, तो मेरा प्रोब इधर जाके बाइंड करेगा, ठीक है, तो इससे मुझे ये पूरा का पूरा सिक्वेंस के बारे में पता चलता है, इधर बाइंड करेगा, ओके, तो आई कैन डिटेक्ट कि सीक्वेंस प्रेजेंट है, ओके, एंड ऑब्वियसली ये जब जेल में सेपरेट होंगे तो ये सबसे पीछे चलेगा और ये आगे चलेगा, ठीक है, एंड देन आई कैन डिटेक्ट कि ये लेंथ मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग सेपरेशन हो रहा है, ओके, देन आई कैन से कि हाँ कि ये रिपीट है और इसका साइज अप्रोक्सीमेटली इतना है, नेक्स्ट है, एक मिनट है, ओके, ओके, द लेंथ ऑफ द वीएनटीआर इज देन डिटरमाइंड यूजिंग अ प्रोब फॉर पर्टिकुलर रिपीट सीक्वेंस ऑफ वीएनटीआर लोकस, ठीक है, तो वो वीएनटीआर लोकस को जाके बाइंड करेगा, ठीक है, एंड देन आई कैन डिटेक्ट इजीली, और ऑब्वियसली आई कैन डिटेक्ट कि जो इंडिविजुअल है, अगर ह्यूमन है तो वो होमोजाइगस है कि नहीं या हेट्रोजाइगस है, वो पता लगा सकता है, होमोजाइगस डोमिनेंट है या होमोजाइगस रिसेसिव है, या जैसे इधर हेट्रोजाइगस, जैसे इधर दिखा है सेम टू सेम, ठीक है,
अभी एक चीज और आपको याद रखनी पड़ेगी, जो वी एन टी आर लोसाई है ये दो टाइप के होते हैं। ओके लोसाई बोला है, लोकस इज लोसाई मतलब एक, लोकस मतलब बहुत सारे, ठीक है सिंपल। तो वी एन टी आर लोसाई, यूनिक लोसाई एंड मल्टी कॉपी लोसाई, तो दो टाइप के वी एन टी आर होते हैं। वी एन टी आर लोसाई होते हैं, एक सिंगल यूनिक कॉपी या सिंगल कॉपी रहते हैं और दूसरा बोलते हैं मल्टी कॉपी लोसाई, ठीक है। जैसे इसमें क्या बोला है, ओनली वन कॉपी ऑफ वी एन टी आर लोकस इज इन इन एन ऑर्गेनिज्म जीनोम विद इट्स ओन यूनिक रिपीट और देयर मे बी ए नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ दिस रिपीट स्कैटर्ड अराउंड द जीनोम, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, सिंपल है, इसमें क्या बोला, अगर ये जो ये लोग क्या होगा ये, एक मिनट ठीक है, और इसको भी इरेज कर देते, ठीक है। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये इधर प्रोब जाके बाइंड करता है और ये एक ही सीक्वेंस डिटेक्ट होता है, ठीक है। अगर ये मल्टीपल फॉर्म में रहता ये वाला सीक्वेंस, ठीक है, तो उसको बोलता मैं मल्टी कॉपी लोकस, ठीक है, मल्टी कॉपी लोकस मतलब ये जो सीक्वेंस है ये बार 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 रिपीटेड है, तो इसको क्या बोलूँगा, मल्टी कॉपी, मल्टी मतलब मैनी, कॉपी मतलब कॉपी लोकस लोसाई, ठीक है। इन कंपैरिजन टू अगर मेरा प्रोब जाके बाइंड करता है और डीएनए में एक ही जगह बाइंड करता है और कहीं जगह बाइंड नहीं करता, तो मेरा क्या हो गया, ये सिंगल कॉपी या यूनिक, ये यूनिक सीक्वेंस है, ये रिपीट नहीं है इसका, ठीक है, ये यूनिक या ओरिजिनल सीक्वेंस है और इसका कोई रिपीट नहीं है, कहीं भी आप दूसरे क्रोमोजोम में कहीं भी ढूंढ लो तो यही इसका जो सीक्वेंस है इसका कोई भी रिपीट नहीं है, तो इसको बोलेंगे यूनिक, ठीक है, या आई थिंक मोनोकॉपी, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके तो इसको बोलूंगा मैं मोनोलोकस या सिंगल लोकस प्रोब, ठीक है। मोनोलोकस, मोनो मतलब वन और ये सिंगल लोकस मतलब ये एक ही जो सीक्वेंस है वो वन टाइम रिपीटेड है, मतलब वन टाइम ही है प्रेजेंट है, रिपीटेड उसके रिपीट्स नहीं मिलेंगे। बट अगर कोई सीक्वेंस के मल्टीपल रिपीट्स है तो उसको बोलूंगा मैं मल्टी लोकस प्रोब, मल्टी लोकस, ठीक है। तो मेरा प्रोब्स उधर सब जगह जाके बाइंड करेगा, ठीक है। सो होपफुली आई एम क्लियर एस टी आर एंड वी एन टी आर से रिलेटेड, कुछ डाउट है पूछ सकते हो। ऑब्वियसली यू हैव टू डिजीज से रिलेटेड, जैसे मैंने बताया हंटिंगटन डिजीज हो गया या और भी डिजीज हो सकते हैं, तो उसको मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। समझ में आया कि ऊपर से गया, पक्का ओके। नेक्स्ट है जीन थेरेपी, तो ये आपने पहले भी पढ़ा है, टीवाई में भी पढ़ा है, तो वापस पढ़ा के फायदा है। हाँ थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा आपका, डिजीज से रिलेटेड रहेगा तो पढ़ा आपने, ओके। तो इसके भी बहुत सारे मेरे पास दूसरे पीपीटीज भी है, चाहिए तो वो रेफर कर सकते हो, चाहिए तो ये मेरा वाला भी रेफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो जीन थेरेपी क्या होता है, अभी हम लोग थर्ड टॉपिक में आ चुके हैं, पहला हम लोगों ने एस टी आर कवर किया, नेक्स्ट वी एन टी आर कवर किया, थर्ड अभी जीन थेरेपी कवर अप कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज जीन थेरेपी, तो जीन थेरेपी क्या है, हम लोग फॉर एग्जांपल कोई डिफेक्टिव जीन है, ठीक है, उसको हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं, या कोई डिजीज है उसको अगर कोई न्यू जीन इंट्रोड्यूस करके वो डिजीज को रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जीन थेरेपी, ठीक है ओके। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का है, आरडीटी बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, तो इसका अल्टीमेट एप्लीकेशन है, ठीक है, अल्टीमेट एप्लीकेशन जो ऑब्वियसली अगर हम लोग इतना सारा रिसर्च करें और
ह्यूमन को अगर फायदा ना हो उससे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी, अगर ह्यूमन को फायदा होना चाहिए ना उसका, ठीक है, तो अगर कोई जेनेटिक डिसीज है उसको क्योर करना है तो उसके लिए जीन थेरेपी आएगी। ओके, नेक्स्ट है। तो ये किसने फाइंड आउट किया, पहला फर्स्ट किसने कैरी आउट किया, विलियम फ्रेंच एंडरसन, ठीक है, एंड हिज कलीग्स एट यूएस एनआईएच। तो एनआईएच का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो 1990s में, तो मतलब कितना साल पहले हो गए, ये अप्रोक्सीमेटली 31 ईयर्स हो गए, ठीक है। ओके, इन्होंने क्या किया, ट्रांसफर्ड अ फंक्शनल जीन ऑफ ADA, व्हाट इज ADA, एडिनोसिन डीएमिनेज, टू अ यंग गर्ल विथ स्किड, एन ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन दैट प्रोड्यूस इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते, वाइट बोर्ड में चले जाते हैं। ओके, इसको मैं निकाल देता हूँ कॉर्नर पे। ओके, नाउ व्हाट इज स्किड, स्किड का फुल फॉर्म क्या है, सीवियरली कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है, सीवियरली कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब क्या, इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा, इम्यूनो डेफिशिएंसी से यही पता लग रहा है कि देर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। सीवियरली कंबाइंड बोला मतलब इसकी जो डिजीज की सीवियरिटी सबसे ज्यादा, ठीक है, कंबाइंड बोला है तो कुछ कंबाइंड कॉम्बिनेशन में है, क्या कॉम्बिनेशन में, इनएक्टिवेशन कॉम्बिनेशन में। अब क्या होता है, तो बेसिकली जो एडिनोसिन डीएमिनेज जो जीन है वो जो टी सेल्स है, ठीक है, टी सेल्स है जो इमेच्योर टी सेल्स है उसको मैच्योर करने में काम आता है, ठीक है, एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ। ओके, तो जो इमेच्योर टी सेल्स है उसको मैच्योर करने के काम आता है एडिनोसिन डीएमिनेज, ADA भी बोलते हैं, एडिनोसिन डीएमिनेज, ठीक है। ओके, अभी मैच्योर टी सेल्स जनरेट नहीं होगा तो ऑब्वियसली तुम्हारा टी सेल्स काम करना बंद कर देगा। ओके, तो टी सेल्स काम करना बंद हो गया तो ये एक हो गया, ठीक है, ये वन हो गया, 1 पॉइंट कि आपका टी सेल्स काम नहीं कर रहा। अभी ये याद रखो, जो बी सेल्स है दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टी सेल्स। तो अगर आपने सुना रहेगा टी हेल्पर सेल किसको हेल्प करता है, ये बी सेल को हेल्प करता है, किसमें, इस ये भी एक्टिवेट कर देता है बी सेल को, ठीक है। तो ये जो बी सेल्स होते हैं, बी सेल्स भी दो टाइप के होते हैं आपके, बी डिपेंडेंट एंड बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट। अब बी जो बी इंडिपेंडेंट है वो काफ़ी कम कॉन्सेंट्रेशन में बनता है इन कंपैरिजन टू बी डिपेंडेंट, ठीक है। तो जो बी डिपेंडेंट है, बी सेल्स जो डिपेंडेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड है, टी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ओके, सो आपका अगर आप टी सेल्स नहीं बना पा रहे हो तो इनडायरेक्टली आप बी सेल्स भी नहीं बना रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, आपका दोनों का कॉन्सेंट्रेशन नीचे जाएगा। अभी आपको पता है टी सेल्स एंड बी सेल्स तुम्हारे लिम्फोइड सिस्टम में आता है, ठीक है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होता है लिम्फोइड सिस्टम, ठीक है। तो इधर क्या कॉम्बिनेशन में क्या आ रहा है, टी सेल्स भी नहीं बन रहे तुम्हारे, बी सेल्स भी नहीं मर रहे, टी सेल्स भी नहीं बन रहे आपके, बी सेल्स भी मैच्योर नहीं हो रहे, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं सीवियरली कंबाइंड दोनों का कॉम्बिनेशन, बी सेल्स भी काम नहीं करेंगे तुम्हारे, टी सेल्स भी काम नहीं करेंगे, और ऑब्वियसली जब ये दोनों काम नहीं करेंगे तो अच्छा खासा इम्यूनो डेफिशिएंसी होने वाला, क्योंकि लिम्फोइड सिस्टम में मेन यही आता है, ठीक है। तो ओनली डिफेंस सिस्टम दैट इज वर्किंग इज माइलॉइड सिस्टम, ठीक है, माइलॉइड सिस्टम वर्क करता है। ओके, बट थिंग इज माइलॉइड सिस्टम का ड्रॉबैक क्या है, इट इज़ वेरी वेरी नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक मतलब क्या है, एक तरफ का एडवांटेज है भी और डिसएडवांटेज भी है। नॉन स्पेसिफिक रहता तो कुछ भी जो भी फॉरेन बॉडीज आते हैं सबको मारना चालू करते हैं, ठीक है, बट उतना ग्रेटर रिस्पॉन्स नहीं रहता जितना टी एंड बी सेल्स का रहता,
उसका जो रिस्पॉन्स अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वेरी वेरी हाई, ठीक है ओके, वो उतना माइलोड सिस्टम नहीं कर पाएगा। सो होपफुली समझ रहे हैं, ऊपर से जा रहे क्या किसी को? यस, स्किड के बारे में बताया मैंने, ऊपर से जा रहा है कि समझ में आ रहा है? समझा सर। पक्का? यस सर। किसी को रिपीट? या प्रणिल? प्रणिल ने बोला था, प्रणिल है, ऋतुजा, ऋतुजा ने किया। समझा सर। हाँ, ओके ठीक है। सो अभी आप बोलोगे कि इससे अच्छा, अभी आप सोचो आपका लिम्फोइड सिस्टम नहीं काम कर रहा है, मतलब TNB सेल्स काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है? अभी ये याद रखो, जो टी सेल्स है आपके वायरस मारने के काम आ रहे हैं, बी सेल्स आपके बैक्टीरियल और फंगल मारने के काम आ रहे हैं, ठीक है। विद इन द सेल अगर किसी को किल करना है तो टी सेल्स होते हैं, आउटसाइड द सेल अगर किल करना है तो बी सेल्स होते हैं, ठीक है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जबरदस्त रहता है, एंड देन दे ओवरकम एवरी एवरी डैम डिजीज, ठीक है, सिंपल ओके। सो बट इफ लिम्फोइड सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ, मतलब जैसे आपका टी सेल्स भी काम नहीं कर रहे, उसके इनडायरेक्टली बी सेल्स भी नहीं बन रहे, तो उससे क्या होगा? स्पेसिफिक सिस्टम बंद हो गया। अगर पेशेंट रहेगा, स्किड पेशेंट रहता है, ठीक है, स्किड पेशेंट, तो इसको रिपीट ऑब्वियसली लिम्फोइड सिस्टम नहीं काम कर रहा, तो ही इज एक्सपोज टू एन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली हम लोग भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से एक्सपोज होते हैं एवरी डे, एवरी डे ओके, एवरी डे। जैसे हम लोग सांस ले रहे, वी आर इनहेलिंग एयर, एयर में ऑब्वियसली और भी ऑर्गेनिजम्स भी है, ठीक है। सो वो भी हम लोग के लंग्स में जा रहा है, ठीक है, बट लंग में भी मैक्रोफाजेस है, ठीक है, तो दे आर ओवरकमिंग दिस, ठीक है। हम लोग फूड खाते हैं, तो फूड क्या होता है? ऑब्वियसली स्टराइल नहीं होता, राइट, है ना? आपने थोड़ा ठंडा खाना खाया तो उसमें ऑब्वियसली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो लोड है वो बढ़ जाता है, सिंपल। इसलिए बोलते खाना गर्म खाया करो, ओके। अभी इधर क्या, ये केस में क्या हो रहा है? स्किड जो पेशेंट है, इट इज़ हाईली वल्नरेबल टू मेनी मेनी डिजीजेस, इंक्लूडिंग निमोनिया हो गया, ठीक है, सिंपल कोल्ड कफ हो गया, ठीक है। तो ये इससे पेशेंट का डेथ भी हो सकता है, एकदम सिंपल डिजीज से डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो निमोनिया, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग आगे देखने वाले हैं, ओके। अभी देयर इज ऑल्सो, ये बताया गया, बट ये बताया नहीं गया, देयर इज सम, अगर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया माउस में, तो जो माउस है उसको जेनेटिकली इंजीनियर किया, ठीक है, तो उसके वो टी सेल्स नहीं बना पाता, तो उसके वजह से बी सेल्स भी नहीं बन रहे, उसको स्किड माउस बोला जाता है, ठीक है। अगर नॉर्मल माउस की हम लोग लाइफ स्पैन देखें, इट इज़ अराउंड 2 ईयर्स, ठीक है, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स में वो आराम से बुढ़ा होता है एंड एज रिलेटेड डिजीज की वजह से मर जाता है, ठीक है। बट स्किड माइस देखोगे, स्किड माइस आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन, क्यों? फर्स्ट मंथ में ही जितना लीटर साइज होता है, लीटर साइज, लीटर मतलब क्या होता है? लीटर, लीटर ओके, जैसे एक एक बार प्रेगनेंसी में माउस क्या बोलते हैं, 8 to 10 pups या 12 pups तक जनरेट करता, मतलब बनाता है, ठीक है, डिलीवर कर देता है 8 to 12 pups, तो ये इसको बोलते हैं लिटर, ठीक है, लिटर, ये पूरे चीज़ को लिटर बोलते हैं, मतलब एक प्रेगनेंसी में जितने भी जो प्रोजेनी जनरेट हुए उसको लिटर बोला जाता है माउस के में, ठीक है। तो इसमें क्या बोलूंगा, माउस, 1 लीटर ऑफ माउस, लीटर ऑफ माउस कंसिस्ट ऑफ 8 pups और 8 progenies, ओके। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट मंथ में ही लीटर साइज हाफ हो जाता है, मतलब इतने सारे डेथ्स हो जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट मंथ में, ठीक है। तो जैसे अगर 10 pups रहेंगे तो वो 50% की डेथ हो जाती है उसमें से, ओके। एंड मैक्सिमम टाइम जितना उनका लाइफ स्पैन है, इट इज़ मैक्सिमम 6 मंथ्स,
6 months, उससे ज़्यादा रिसर्च नहीं किए गए, ठीक है। 6 months मैक्सिमम ये लोग जीते, तो मतलब क्या हो गया, आपका टी एंड बी सेल के वजह से क्या हो गया, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो चुकी है, आपके फर्स्ट मंथ में ही 50% चांसेस है मरने के, 6 months तक जिंदा नहीं रहेंगे, 6 months के बाद जिंदा नहीं रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली योर लाइफ हैज़ बीन डिक्रीज बाई 75%, ठीक है, 75% से डिक्रीज हो गया आपका लाइफ, सिंपल पेशेंट का लाइफ, ओके। तो ये हम लोगों ने एक टी सेल का मतलब स्किड के देयर आर मेनी रीजंस, उसमें से एक है एडिनोसिन डीएमिनेस का नॉन फंक्शनल होना, ठीक है, नॉन फंक्शनल होना, ठीक है। तो अगर जीन थेरेपी के थ्रू मैं फंक्शनल एडिनोसिन डीएमिनेस डालूं जो पेशेंट है, तो दे शुड बी नॉर्मल, राइट, है ना। अभी आपको बेसिकली इंसर्ट करना है नॉर्मल डीएनए इनटू पेशेंट, तो कैसे करोगे, तो इसका 2 या 3 स्टेप में बताया। द रिसर्चर्स रिमूव्ड, तो इसने जो फ्रेंच विलियम फ्रेंच एंडरसन है, ठीक है, इसने कैसे कैरी आउट किया, उसने क्या किया, जो पेशेंट है उसके WBCs एक्सट्रैक्ट किए या रिमूव किए, ठीक है, और WBC है ना, वाइट ब्लड सेल्स, ऑब्वियसली डीएनए भी रहेगा। अभी इसमें क्या करना है, आपको फॉरेन डीएनए डालना है और विद हायर एफिशिएंसी, तो हायर एफिशिएंसी इधर आपका आ जाता है रेट्रोवायरसेस, बेसिकली एचआईवी, ठीक है, एचआईवी आ जाता है। बट ये एचआईवी ऐसा नॉर्मल एचआईवी नहीं है, इट इज़ अ मॉडिफाइड एचआईवी, आपको एचआईवी नहीं होगा, ठीक है, बट थिंग इज कि ये कभी भी बदल सकते हैं। तो रेट्रोवायरसेस, वर्किंग विद रेट्रोवायरसेस इज क्वाइट 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 टफ, ठीक है। आपको जितना कोविड में ध्यान रह रहे हो ना, उससे 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज़्यादा आपको इधर ध्यान ना देना पड़ेगा वाइल वर्किंग विद रेट्रोवायरस, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो यू माइट टर्न पॉजिटिव, एनी वन माइट टर्न पॉजिटिव, ठीक है, जो हैंडलर है, ओके। तो रेट्रोवायरस के अंदर हम लोगों ने हमारा जैसे फंक्शनल एडिनोसिन डीएमिनेस डाला, ठीक है, और उसको हम लोगों ने सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब वायरस को इन्फेक्ट कर दिया विद सेल को इन्फेक्ट कर दिया विद वायरसेस, ठीक है, ओके। नाउ दिस सेल्स आर, एक बार इन्फेक्ट हो गया तो मैं रिकॉम्बिनेंट जो सेल्स है उसको ग्रो करने की कोशिश करूँगा, कैसे, ऑब्वियसली कल्चर करूँगा लैब में, ठीक है। एक बार अच्छे से कल्चर हो गया तो फिर मैं वापस मैं पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर दूंगा ये सेल्स को। ऑब्वियसली ये जो सेल्स है, ये WBC सेल्स है, इनके लाइफ स्पैन भी अच्छा खासा रहता है, ओके। तो जैसे RBC है, उसका लाइफ स्पैन कितना है, 120 डेज रहता है, WBC का थोड़ा सा ज़्यादा रहता रहेगा, ओके। ये सारे जो सेल्स है उसको वापस इम्प्लांट किया गया था पेशेंट में, ठीक है, और फिर पेशेंट करीबन करीबन नॉर्मल हो गया था, ठीक है, ओके। तो ये स्किड के बारे में दिखाया, स्किड के बारे में बताया, ठीक है, कॉन्जेनेटल डिसऑर्डर है, ठीक है, और इधर जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा है या ना के बराबर इम्यून रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है। टी सेल्स बी सेल्स दोनों डिफेक्टिव रहते हैं और रिकरेंट इन्फेक्शंस होते रहते हैं जो पेशेंट्स है, निमोनिया हो गया, मेनिनजाइटिस हो गया, चिकन बॉक्स हो गया, जो भी डिजीज दिखे सब सब होगा, ठीक है, एयर में जो भी डिजीज है सब होगा, ठीक है। एंड मैनी डाई बिफोर द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, मतलब बहुत सारे मारे जाते हैं, ठीक है। अभी इसका क्योर क्या है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, मतलब जैसे हेल्दी डोनर है, मतलब मदर, अगर जैसे ऑफस्प्रिंग है तो मदर या फादर में से कोई एक बोन मैरो दे सकता है, तो बोन मैरो मतलब क्या है, आपका फीमर उठा के देना रहता है, मतलब आपके जो लेग है उसमें से वो जो बोन है वो पूरा का पूरा उठा के ट्रांसफर हो गया, ठीक है, ओके। सो क्योंकि बोन क्यों ट्रांसफर करे, तो बोन में बेसिकली स्टेम सेल्स है आपके, ठीक है, फीमर में, तो आपका बेसिकली आप स्टेम सेल ट्रांसफर कर रहे हो, बट इसको इधर बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ओके। या आप डायरेक्टली अगर बोन मैरो नहीं कराना चाहते, दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, अराउंड 25 to 40 lakhs लगता है इन अंडर गवर्नमेंट सेटिंग, ठीक है, प्राइवेट में और ज़्यादा लगता है,
तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो, ठीक है। स्टेम सेल कैन सेव 80% पेशेंट, ठीक है, 80% में सक्सेस मिला। ओके, अभी अगर आप देखोगे ऑल फॉर्म्स ऑफ स्किड आर इनहेरिटेड, सब इनहेरिट होता है। और अगर देखोगे एज मैनी ऑफ हाफ ऑफ द स्किड केसेस आर लिंक्ड टू एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है, मतलब जो मेल पेशेंट रहेगा वो बेचारा मारा जाएगा, ठीक है, वो उसमें रहेगा। और फीमेल पेशेंट में दे माइट बी कैरियर ऑल्सो, ठीक है। सर पीपीटी नहीं दिख रही, पीपीटी यस, हाँ कुछ पूछना। हेलो, नहीं दिख रही। ओके, जस्ट अ सेकेंड सेकेंड, ओ सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, सॉरी सॉरी। सो इधर जैसे मैंने बताया, बोन मैरो आपका क्योर क्या है स्किड के लिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा सकते हो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो बेसिकली आपका बोन मैरो क्या होता है, पैर का ही बोन रहता है, उसको दूसरे पेशेंट में ट्रांसफर करना, ओके। उसमें स्टेम सेल्स ही रहते हैं, तो बेसिकली अभी स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो, सिंपल है। नेक्स्ट है, ओके। सो ज़्यादातर जो 50% केसेस ऑफ स्किड है वो मदर से आते हैं, एक्स क्रोमोसोम के थ्रू। नेक्स्ट क्या? अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि खाली एक जीन काम कर रहा है, देर आर जीन्स, जैसे ADA हो गया, JAK3 और IL2RG, ये तीन जीन्स है जो स्किड कॉज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ये तीनों जीन्स स्किड कॉज कर सकते हैं। तो एक्स लिंक्ड स्किड जो होता है वो होता है वाया नॉट ADA बट इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर। इंटरल्यूकिन मतलब क्या, इसको IL बोला जाता है, इंटरल्यूकिन IL, ठीक है, 2 रिसेप्टर गामा, तो ये 2 रिसेप्टर गामा, ठीक है। विच प्रोड्यूसेस अ कॉमन गामा चेन सब यूनिट एस कंपोनेंट ऑफ सेवरल IL रिसेप्टर्स, JAK3 मॉलिक्यूल भी डिफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पूरा का पूरा आपका टी सेल डेवलपमेंट में इसको रोक देते, अगर इसमें म्यूटेशंस रहेगा, ठीक है, IL2 रिसेप्टर गामा, IL2RG, अगर इस जीन में क्या बोलते हैं डिफेक्टिव रहेगा, सो ये टी सेल डेवलपमेंट नहीं होने देगा, ठीक है, मैच्योरेशन नहीं होने देगा, ठीक है। अगर टी सेल लिम्फोसाइट बंद हो गया तो आपका बी सेल भी बंद हो जाता है, सिंपल। दूसरा फॉर्म है जो हम लोग ने देखा था, ADA एडिनोसिन डीएमिनेस, ये जीन भी बंद हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली टी एंड बी सेल्स मैच्योर नहीं होंगे, इमेच्योर रहेंगे, और फिर मैच्योरिटी नहीं आएगी तो फिर वो एलिमिनेट हो जाएंगे, एंड ऑब्वियसली जो पेशेंट रहेगा इट ही और शी वुड बी सीवियरली डिजीज्ड, ठीक। ओके, सो इसलिए जीन थेरेपी का यूटिलाइजेशन किया। ऑब्वियसली आपको पता है दो टाइप के जीन थेरेपी होते हैं, सोमैटिक सेल जीन थेरेपी एंड दूसरा है जर्म लाइन जीन थेरेपी, ठीक है, सिंपल। तो ऑब्वियसली आपको नॉर्मल जीन से रिप्लेस करना है, ओके। इधर आते हैं स्किन सेल, हार्ट सेल्स एक्सेट्रा, सो ये सोमेटिक सेल्स में आ जाते हैं। जर्म लाइन में आपके जाइगोट्स, एग्स या स्पर्म आ जाता है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल जीन इधर इंट्रोड्यूस करो स्किन सेल हार्ट सेल में, तो ये सोमेटिक सेल जीन थेरेपी हो गया। और अगर आप जाइगोट एग या स्पर्म में इंट्रोड्यूस कर रहे हो नॉर्मल जीन, या रिप्लेस कर रहे हो नॉर्मल डिफेक्टिव जीन विद नॉर्मल जीन, तो उसको जर्म लाइन सेल्स में, तो इसको जर्म लाइन जीन थेरेपी होगी। ऑब्वियसली आपको पता है सोमेटिक जीन थेरेपी में कोई भी इथिकल इश्यूज नहीं है, बट जर्म लाइन जीन थेरेपी में इथिकल इश्यूज है, बिकॉज यू आर रिमूविंग जायगोट और एग और स्पर्म, ठीक है। स्पर्म का कोई मतलब नहीं, बट अनलिमिटेड प्रोड्यूस हो सकता है, बट एग्स एंड जायगोट आर लिमिटेड इन नेचर, ओके। इवन इसका जो सक्सेस रेशियो, इट इज़ वेरी वेरी लो, 1% 2% रहेगा, ज़्यादा 0.1 भी हो सकता है। एडवांटेज क्या, ऑब्वियसली एक बार क्योर अगर सोमेटिक सेल जीन थेरेपी है, तो इसका एडवांटेज क्या कि जो पेशेंट रहेगा वो
एक बार थेरेपी थेरेपी हो जाएगा, सक्सेसफुल थेरेपी हो जाएगा तो ही विल लीड नॉर्मल लाइफ, ठीक है. बट उसके जो आगे के जनरेशन है, दे वॉन्ट बी लीडिंग एनी नॉर्मल लाइफ. उसके कंपैरिजन में अगर जर्म लाइन जीन थेरेपी देखोगे तो उसका भी ही विल बी ऑल्सो क्योर्ड एंड हिज प्रोजेनी वॉन्ट बी एबल, दे विल नॉट कैरी दिस डिफेक्टिव जीन्स. तो ये डिसएडवांटेज है. ओके नाउ डिसएडवांटेज क्या, टेम्पररी लीव टू ब्ला 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 सोमेटिक, और ऑब्वियसली एथिकल कंसर्न्स में जैसे पता है जर्म लाइन जीन सेल थेरेपी में होता ही. ओके तो हम लोग करीबन सिक्स्थ स्लाइड में आगे चलते हैं. थोड़ा वाटर ब्रेक लेने दो. ओके चलो आगे चलते हैं. ओके तो जीन थेरेपी किधर किधर यूटिलाइज किया गया, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट किया गया जेनेटिक डिजीज को क्योर करने में, कैंसर को क्योर करने में एंड हार्ट डिजीज को क्योर करने में एंड सम इन्फेक्शियस डिजीज सच एज एड्स, एड्स को भी क्योर करने में. आप बोलोगे ये हार्ट डिजीज कैसे हो सकता है, या कैंसर कैसे हो सकता है. तो होपफुली आपको पता है कैंसर में क्या होता है, कैंसर में क्या होता है कि आपके जो नॉर्मल जीन्स होते हैं वो डिफेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, म्यूटेट हो जाते हैं. ओके एंड ये फिर कैंसर कॉज करना चालू होता है. तो आपको पता है दो क्लास ऑफ, थ्री क्लासेस ऑफ जीन्स रहते हैं, ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन जो कि ऑन्कोजेनिक बन जाते हैं, राइट. फिर आता है ट्यूमर सप्रेसर जीन जो सप्रेस करता है ट्यूमर्स को फॉर्मेशन, ठीक है. एंड तीसरा होता है डीएनए रिपेयर के जीन्स होते हैं. अगर इसमें म्यूटेशन आ गया तो पूरा का पूरा वाट लगा, ठीक है. तो ये ज़्यादातर साइंस जो है इस पे ध्यान नहीं देते लोग, ये दोनों पे ध्यान देते हैं. अच्छा, ट्यूमर सप्रेसर जीन ऐसा जीन रहता है जिसमें से अगर एक एलील भी फंक्शनल रहेगा तो ट्यूमर को सप्रेस कर देता है, ठीक है. सिंपल वापस मैं बोल रहा हूँ, ट्यूमर सप्रेसर जीन में अगर एक एलील, मतलब ऑब्वियसली एक मदर से आ रहा है और एक फादर से आ रहा है, राइट, ठीक है. जैसे फादर का इट इज़ डिफेक्टिव इन नेचर या म्यूटेटेड फॉर्म में, कैंसर होने के चांसेस बढ़ गए, बट मदर का इज़ फंक्शनल, ठीक है, इसका ये फंक्शनल है. दिस दिस जीन विल बेसिकली सप्रेस ट्यूमर फॉर्मेशन, सिंपल है. बट अगर इसमें म्यूटेशन आते हैं तो ऑब्वियसली इन दोनों में म्यूटेशन है तो इट विल लीड टू कैंसर फॉर्मेशन, ठीक है. अभी 50% केसेस में, 50-60% केसेस में देखा गया जो ट्यूमर सप्रेसर जीन ही बंद हो जाता है, ठीक है. तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, डिफेक्टिव ट्यूमर सप्रेसर जीन को रिप्लेस कर सकते हैं विद फंक्शनल ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है. और ऑब्वियसली एक फंक्शनल जीन आ गया तो ये कैंसर फॉर्मेशन रुक जाता है, सिंपल है. आप लोगों को समझ रहे हैं कि ऊपर से जा रहे, बता दो मुझे. पक्का ऊपर से जा रहे, ये समझ रहे हैं. ओके किसी को रिपीट चाहिए रहेगा तो बता देना, ठीक है. अच्छा, इसका ड्रॉबैक्स क्या है, मतलब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है जीन थेरेपी में, ठीक है. तो इसमें बेसिकली वेक्टर्स का ही मेन डिसएडवांटेज है. क्यों? क्योंकि इधर हम लोग मॉडिफाइड रेट्रोवायरसेस एज अ वेक्टर यूटिलाइज कर रहे हैं,
एडिनो वायरस वेक्टर यूटिलाइज कर रहा है, या एडिनो एसोसिएटेड वायरस को यूटिलाइज कर रहा है। प्रॉब्लम्स क्या है देखते हैं हम लोग। अच्छा, रेट्रो वायरसेस आपको याद है, अगर एचआईवी को छोड़ के बाकी जो रेट्रो वायरसेस है वो कैंसर भी कॉज कर सकते हैं, ये आपको होपफुली याद रहेगा तो ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, अच्छा एडिनो वायरस आपने कहीं सुना रहेगा, तो कोविशील्ड जो है बेसिकली एडिनो वायरल वेक्टर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते, इंटरेस्टिंग फैक्टॉइड दिए। ओके चलो प्रॉब्लम देख लेते, प्रॉब्लम्स क्या क्या है। चैलेंजेस इन ट्रांसफरिंग फॉरेन जीन्स इनटू ह्यूमन सेल्स, तो अगर मैंने फॉरेन जीन को वाया ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसमें ट्रांसडक्शन मेथड रेट्रोवायरसेस थ्रू अंदर डाल भी दिया, ठीक है, तो उधर प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब ट्रांसफ़र करने का प्रॉब्लम है क्योंकि वायरस भी आप डाल रहे हो। ठीक है, ओके, ऑब्वियसली एक बार अगर आपने ट्रांसड्यूस करके अंदर वायरस के थ्रू अंदर डाल भी दिया तो वो इंटीग्रेट भी होना चाहिए सेल के साथ, और इट शुड ऑल्सो एक्सप्रेस, ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद एक्सप्रेस भी करना चाहिए वो जो फॉरन डीएनए है। अगर वो एक्सप्रेस ही नहीं करे तो फिर क्या होगा, वाट लगेगा। तो एग्जाम्पल देख लेते, ठीक है, आपने डीएनए डाला अंदर, ठीक है, और वो जो इंटेंटेड साइट था जिधर उसको बाइंड होना था उसके जगह दूसरे जगह चला गया, ठीक है, ओके। सो जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल साइट के जगह बैठा तो ऑब्वियसली वो फंक्शनल हो जाएगा, बट अगर दूसरे साइट में जाके बैठा जैसे जिधर प्रमोटर वीक है, ठीक है, वीक प्रमोटर है तो ये एक्सप्रेस ही नहीं होने वाला, सिंपल, ठीक है। या ऐसे जगह जाके बैठा कि जो जीन है वो नॉन फंक्शनल है पूरा का पूरा, उधर जाके बैठ गए तो क्या होगा, आपका ये फंक्शन ही नहीं करेगा आप कितना भी डालो, ठीक है। तो आपको टारगेट करके डालना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा आपके फॉरेन डीएनए। ठीक है, ऑब्वियसली अगर एक्सप्रेस नहीं हुआ वो भी बड़ा प्रॉब्लम है, इंटीग्रेट हो गया बट एक्सप्रेस नहीं हुआ वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर वो एक्सप्रेस नहीं होता तो इम्यून रिस्पॉन्स आपका जनरेट नहीं होने वाला। सेफ्टी इज अ मेजर फैक्टर, क्योंकि जैसे मैंने बताया एडिनो वायरल वैक्टर है, एडिनो एसोसिएटेड वायरस है, एंड सबसे ज़्यादा खतरनाक रेट्रो वायरसेस है, ठीक है। एक भी अगर वो रिवर्स हो गया, रिवर्ट हो गया, तो सब कैंसर का फॉर्मेशन के चांसेस हो जाए। अभी जब थेरेपी इंट्रोड्यूस किया था तो जैसे मैंने बताया था कौन था बंदा, वो एलेक जेफरी शायद, नहीं दूसरा कोई बंदा था, विलियम फ्रेंच एंडरसन, ठीक है, 1990s में काम कर रहे थे, ठीक है। अभी इसके डिसएडवांटेजेस क्या, इसके बैकड्रॉप सेटबैक्स क्या क्या हुए वो भी देख लो एक बार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 100% पूरा आपका स्ट्रैटेजी वर्क करेगा, ठीक है, इट इज़ नॉट दैट। तो 1999 में, ठीक है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 22 ईयर्स एको, ओके, अ पेशेंट पार्टिसिपेटिंग इन जीन थेरेपी ट्रायल हैड अ फेटल इम्यून रिस्पॉन्स, तो इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा फेटल हो गया, ओके, वायरल वेक्टर इंजेक्ट किया तो वायरस के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, राइट, है ना, तो ऑब्वियसली वो फेटल भी हो जाता है कभी। तो फेटल इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ अंगेंस्ट वायरस, नॉट अंगेंस्ट जीन थेरेपी जो डीएनए उसके अंगेंस्ट नहीं हुआ, वायरल वेक्टर के अंगेंस्ट हुआ, ठीक है। ऑब्वियसली दीज वायरसेस आर फॉरेन टू अस। नेक्स्ट है सेटबैक, और कौन से पांच चिल्ड्रन 99 में आई थिंक, वो भी जीन थेरेपी, उनका भी जीन थेरेपी हुआ, फर्स्ट स्किड के लिए जीन थेरेपी हुआ, ठीक है, और उन सबको ल्यूकेमिया हो गया। ल्यूकेमिया मतलब क्या, ब्लड कैंसर हो गया, क्योंकि आपने रेट्रोवायरस डाले, ओके, और रेट्रोवायरसेस में क्या होता है, ऑंक जीन रहता है, ONC ऑंक जीन रहता है, और ऑंक जीन क्या कैरी आउट करता है, ऑंकोजेनेसिस, मतलब क्या, कैंसर को फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये पांच बच्चे कम तड़पे थे स्किड की वजह से, उनको ऊपर से ल्यूकेमिया भी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं,
सो ऐसा नहीं है कि सेटबैक्स हुए नहीं हुए, बट इक्वली या उससे ज़्यादा आपके जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो सक्सेसफुल भी थे. ठीक है, तो हेड एंड नेक कैंसर के लिए, हेड एंड नेक कैंसर किसको होता है ज़्यादातर? जो आपके तंबाकू खाते हैं, ठीक है, या आपके अल्कोहल पीते हैं, तो अल्कोहल भी आपका जो माउथ है उसको इन्फ्लेम करता है. ठीक है, ओके. तो ज़्यादातर जो टबैको यूज़र्स हो गए, सिगरेट हो गया आपका, सब 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 ओके, ये हेड एंड नेक कैंसर फॉर्म करते हैं. तो उसमें भी आपको स्किड के लिए और कैंसर के लिए अच्छे रिजल्ट्स मिले, जीन थेरेपी के अच्छे रिजल्ट्स मिले. ओके, जैसे और भी ये थेरेपी, जीन थेरेपी किसके लिए यूटिलाइज किया? एक्स लिंक्ड एड्रिनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी, ठीक है, ये भी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका एक फेटल डिजीज है. ब्लाइंडनेस में भी काम किया है, जैसे हम लोग अगर जेनेटिक डिस्पोजिशन है, एज इन जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसकी वजह से ब्लाइंडनेस हुआ है, ठीक है, तो वैसे वो डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस किया जा सकता है विद नॉर्मल जीन. एंड ऑब्वियसली ये जो बताया है इसमें, यंग एडल्ट्स हैं जो हु वेंट फॉर अ जीन थेरेपी सेशन एंड दे वर उनको भी सही हो गया. ठीक है, पार्शियली रिस्टोर हुआ, बट रिस्टोर तो हुआ. ओके, लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड है, ये देख लो वेक्टर्स कौन से यूटिलाइज होते हैं जीन थेरेपी में, ये इंपॉर्टेंट है. और उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी देख लो. रेट्रोवायरस क्या है? एफिशिएंट ट्रांसफर है, बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफर है, 96, 98, 99, 100% एफिशिएंट ट्रांसफर रेट है. ठीक है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों नहीं कर लेते? इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी 30 to 40% ट्रांसफर रेट है, बट एडवांटेज रेट्रोवायरसेस के पास ही, वो बहुत ज़बरदस्त माइंड करते हैं हमारे सेल्स को. डिसएडवांटेज क्या है? ट्रांसफर डीएनए ओनली टू डिवाइडिंग सेल्स, इंसर्ट रैंडमली, रिस्क ऑफ प्रोड्यूसिंग वाइल्ड टाइप वायरसेस, इंपॉर्टेंट, एचआईवी हो गया तो वाट लगे. ओके, नेक्स्ट है एडिनो वायरस, ट्रांसफर टू नॉन डिवाइडिंग सेल्स, ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स को भी ट्रांसफर करता है, तो ये एडवांटेज है. इम्यून रिएक्शन कॉज करता है. ओके, सो आपको अगर पता रहेगा जो वैक्सीन में किसी किसी को इम्यून रिएक्शन भी हो रहा, तो इसके डिसएडवांटेज में आ जाता है. ठीक है, एडिनो वायरस, कोविशील्ड में बात करो. ओके, एडिनो एसोसिएटेड वायरस, इसमें एडवांटेज क्या है कि इम्यून रिस्पॉन्स रिएक्शन जनरेट नहीं करता. ठीक है, बट ये क्या बोला, होल्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए, हार्ड टू प्रोड्यूस, तो इसमें जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम है, और ये इसको जनरेट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट. ओके, हर्पीज वायरस, आपको नाम से पता चल रहा है हर्पीस कॉज करता है. ओके, एंड ये वाइल्ड टाइप हो जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा वाट लगेगा. एडवांटेजेस पहले देख लेते हैं. इसको नर्वस सिस्टम में डाला जा सकता है, नर्वस सिस्टम के सेल्स को इन्फेक्ट किया जा सकता है. बाकी जो हम लोगों ने रेट्रोवायरस देखे, एडीनो वायरस देखे, ये नर्वस सिस्टम को अटैक नहीं करते, क्योंकि उनका नॉर्मल रिसेप्टर्स आप दूसरे सेल्स में, ना कि नर्वस सिस्टम में. हर्पीज वायरस के एडवांटेज है, बट डिसएडवांटेज क्या है एज अ वायरल वेक्टर, कि वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं कर सकता. फिर लेंटी वायरस हो गया, ये रेट्रो वायरस इसके अंडर ही आ गया. इसमें लार्ज जीन्स को एकोमोडेट किया जा सकता है, बट थिंग इज कि जो सेफ्टी कंसर्न सबसे ज़्यादा है. ओके, लाइपोसोम्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब लाइपोसोम के अंदर आपका फॉरेन डीएनए आ जाएगा. ठीक है, बट इस ये एडवांटेज क्या है इसकी, ये रेप्लिकेट नहीं करेगा, इम्यून रिएक्शन भी जनरेट नहीं करेगा, और थिंग इसकी इसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम है. फिर डायरेक्ट इंजेक्ट करके हम लोग सेल के अंदर डाल सकते हैं, आपने देखा रहेंगे कुछ वीडियोस, उसमें आप डायरेक्टली इंजेक्ट करके डाल सकते हैं. इसमें क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एफिशिएंसी काफ़ी कम है. ठीक है, और सारे टिश्यूज के साथ वर्क नहीं करता. ओके, नेक्स्ट है प्रेशर ट्रीटमेंट. प्रेशर ट्रीटमेंट आपका डायरेक्टली अब
टिश्यू आर ट्रीटेड आउटसाइड द बॉडी एंड देन ट्रांसप्लांटेड इनटू पेशेंट। तो इधर क्या हो रहा है प्रेशर ट्रीटमेंट में कि आप जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर रहे हो पेट्री डिश पे कर रहे हो एंड देन फिर वापस उसको सेल्स को ट्रांसफर कर रहे हो इनटू पेशेंट्स बॉडी। स्मॉल डीएनए के लिए चलेगा बट लार्ज डीएनए के लिए साइज के लिए नहीं चलेगा। ओके, जीन गन भी यूटिलाइज कर सकते हो। इसमें जो जीन गन में क्या होता है, आपका जो मेटल है उसको कोट किया जाता है विद डीएनए ऑफ इंटरेस्ट। इसमें जो मेटल है वो गोल्ड पार्टिकल होता है। ऑब्वियसली गोल्ड पार्टिकल बोला तो महंगा एक्सपेंसिव हो जाता है। इसमें विक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है बट इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी कम है। तो कौन सा वायरस यूज़ करे या कौन सा विक्टर यूज़ करे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर मैं एफिशिएंसी से भी बात करता हूँ। ओके, होपफुली समझ में आ रहेगा। यस यस सर। चलो फिर नेक्स्ट में चलते हैं। क्या है क्या है। आगे चले। एक एक्चुअली दो पीपीटी है एक ही टॉपिक के। 10 सेकेंड, दूसरा भी देख लेता हूँ किधर है। एक मिनट। हाँ ओके, ये छोटा सा है। वी विल बी मूविंग टू दिस। ओके, सो दूसरे भी है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। एक ये है और एक ये है। ये आपका नॉर्मली आप कौन सा है वो वेबसाइट का नाम भूल गए, स्लाइड शेयर से उठा है तो उधर से भी आप कर सकते हैं बट रिलेटेड भी। चलो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चालू करते। मुझे दो एक मिनट दो। ओके, सो जीन थेरेपी बंद कर देता हूँ जस्ट। अगर जीन थेरेपी भी ओके अच्छा, ये जीन गन आपको देखना था तो ये ऐसे जीन गन है। ठीक है, अभी थोड़ा सा अच्छा माइक्रो इंजेक्शन ऐसे होते हैं। ठीक है, लाइपोफेक्शन भी यूटिलाइज कर सकते हो वैसे। जीन ऑगमेंटेशन, जीन ये मैं नहीं बता रहा, ये अगर चाहिए तो इसको भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। यू कैन ऑल्सो रिफर टू दिस। ठीक, ये जबरदस्त है माइक्रो इंजेक्शन। ओके चलो आ जाते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? तो बेसिकली रिसर्चर्स ने बोला कि वी नो कि डीएनए इज अ बेसिकली आपका डेटा सेंटर हो गया। ठीक है, ऑफ ईच हर एक सेल का जो फंक्शन है कौन डिसाइड करता? इट इज डिसाइडेड बाय डीएनए। ठीक है, कब क्या करेगा? इट इज डिसाइडेड बाय डीएनए। ठीक है, कौन सा जीन कब एक्सप्रेस होगा? इट इज डिसाइडेड बाय डीएनए। ठीक है,
ओके सो थिंग इज कि जो तो अनरैवल करने के लिए पहले क्या किया गया कि ह्यूमन जो जीनोम है उसका सीक्वेंस किया गया, ठीक है, उसको सीक्वेंस किया गया। सीक्वेंस से क्या पता चलेगा, हम लोग को कुछ पैटर्न समझ में आएगा और हम लोग को समझ में आएगा कि उधर जीन्स की किधर कौन से पोजीशन में लोकेटेड है, उसके आजू बाजू कौन से जीन्स हैं, वो भी इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये सब आता है अंडर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंडर। तो हम लोग ये सब देखेंगे, सेलियंट फीचर्स होते हैं, माइलस्टोन्स देखेंगे, गोल देखेंगे, इश्यूज, फ्यूचर चैलेंजेस क्या क्या है, फिर बैक क्या यूटिलाइज किया गया और भी देखेंगे। चलो आगे चलते हैं। तो ह्यूमन जीनोम क्या है, इट इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर ह्यूमंस, ठीक है। तो होमोसेपियंस में हम लोग होमोसेपियंस की बात कर, ठीक है। ओके सो हमारे में कितने जीनोम है, सॉरी कितने क्रोमोसोम्स है, कोई बता सकता है? 23 सेट्स है, राइट? 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स एंड वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन जीनोम इज फार मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड लार्जेस्ट जीनोम। तो ये ह्यूमन जीनोम सबसे काफ़ी ज़्यादा लार्ज था, ठीक है, सीक्वेंस करने के लिए। अभी मैं कंपेरेटिव एनालिसिस भी करूँगा तो ये समझ जाना कि कितना साल लगा किसके। अभी जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अप्रोक्सीमेटली 1986 में स्टार्ट किया गया, हाँ 86 में आई थिंक, सॉरी 1990s में स्टार्ट किया, सॉरी 1990s में स्टार्ट किया, 86 में अप्रोक्सीमेटली उसका कि साइंटिस्ट ने काफ़ी डिस्कस किया था, बट 1990s में ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक्चुअली इन स्टार्ट हुआ, ठीक है, और 1991 में। ओके एंड इट टुक 15 ईयर्स, मतलब 15 ईयर्स का टाइम फ्रेम दिया था एक जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए, ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने के, ठीक है। बट दे कंप्लीटेड दिस टास्क इन 13 ईयर्स, 13 साल में कंप्लीट किया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन का पूरा जीन सीक्वेंस करने के, ठीक है। अभी ये ध्यान दो, तो वो 13 ईयर्स लगे थे ह्यूमन जीनोम को पूरा अनरैवल करने के लिए, ठीक है, सीक्वेंस करने के लिए। और अभी इन कंपैरिजन मैं आज का, अगर मैं बोलूँ आज के डेट में पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम जो है सीक्वेंस कर सकते हैं आप विद इन 2 to 3 days, ठीक है, और उसका डेटा एनालिसिस करके आपको एक एक डेढ़ महीने में मिल जाता है, ठीक है। तो इट इज़ ये क्या हो गया, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। ओके आगे चलते हैं। अच्छा, अगर मैं एक सेल से पूरा का पूरा जीनोम निकालूं और एक डीएनए को मैं क्या करता हूँ, ओके, मैंने एक एक सेल से पूरा का पूरा डीएनए निकाला, ह्यूमन डीएनए, ठीक है, और मैं ये डीएनए को एक के ऊपर एक रख देता हूँ, ठीक है, एक के ऊपर एक, तो कितना बड़ा डीएनए होगा ये, एक वन सेल से, हाँ, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 6 feet लॉन्ग, ओके, फीट या फुट जो भी। तो ये आपके हाइट से भी या मेरे भी हाइट से भी बड़ा, ठीक है, एक सेल का डीएनए। अभी देर आर अप्रोक्सीमेटली 300 trillion सेल्स, ओके 300 trillion सेल्स बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये इतना बड़ा है कि अगर मैं पूरा का पूरा डीएनए निकाल देता, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये धरती के अराउंड कितने बहुत सारे चक्कर लगा देगा, ठीक है। और अगर मैं अर्थ से हाइपोथेटिकली अगर मैं ये थ्रेड डीएनए का थ्रेड लेता हूँ तो ये पोलो 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 प्लैनेट है, सॉरी 9th प्लैनेट कौन सा, प्लूटो बोल रही सर, प्लूटो, सॉरी, हाँ प्लूटो, सॉरी, ओके प्लूटो है, तो उसको चक्कर मार के वापस आ जाएगा। इतना एक खाली एक ही इंसान का डीएनए, ना कि मैं ऐसा नहीं सारे इंसान का नहीं बोल रहा, एक ही इंसान का डीएनए, ठीक है, प्लूटो, ठीक है। तो ये प्लूटो को पार करके वापस आ जाएगा, इतना डीएनए रहता है एक बॉडी के अंदर, मैच्योर ह्यूमन के अंदर, ठीक है।
ठीक है। अच्छा इसमें हमारे डीएनए में इट कंसिस्ट ऑफ 30,000 जीन्स, उसमें से खाली 5,000 ही अनरेवल हुआ है, बाकी 25,000 जीन्स के बारे में नो आईडी, ठीक है, नो आईडी। ओके, तो 30,000 जीन्स है, बोला जाता है हाइपोथेटिकली 30,000 जीन्स है अप्रोक्सीमेटली, बट 5,000 जीन्स को ही आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, अब तक और भी आइडेंटिफाई करना बाकी है। अच्छा डीएनए ऑब्वियसली आपको पता है 22 ऑटोसोम से वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखो, ये मेल दिख रहा है आपको, ओके, तो अगर ये देखोगे तो ये एक्स और ये वाई है छोटा सा, ठीक है, और इधर क्या है, ये दोनों भी एक्स है, दोनों भी बड़े साइज में देख लो, दोनों भी बड़े, ठीक है। तो ये दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, ठीक है, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, ये दोनों के डिफरेंसेस, बाकी सब चीज सेम। ओके, अभी ये भी ध्यान दो, अच्छा एक हाइपोथेसिस आया कि आफ्टर 2 मिलियन ईयर्स अर्थ में, 2 मिलियन ईयर्स के बाद जो ये वाई क्रोमोसोम है, हम लोग ने पढ़ा क्रोमोसोम छोटा होता रहता है तो फिर वो रेप्लिकेट नहीं होगा, तो बोला गया है कि 2 मिलियन ईयर्स मतलब 2,20,00,000 ईयर्स के बाद वाई क्रोमोसोम विल बी कम्प्लीटली लॉस्ट, ठीक है, वाई क्रोमोसोम कम्प्लीटली लॉस हो जाएगा, ठीक है, तो एसेंशियली देर वुड बी नो मेल लेफ्ट इन द अर्थ, ठीक है, चलो आगे चलते आगे चलते हैं। सो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस देखो, ये ड्राफ्ट है, रफ ड्राफ्ट है, ओके, और अगर तुम लोग देखोगे ध्यान से, क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे बड़ा है, फिर नेक्स्ट कौन सा है बड़ा है, क्रोमोसोम नंबर 2, उससे छोटा 3, उससे छोटा 4, उससे छोटा 5, मतलब क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, क्रोमोसोम आर नेम्ड आफ्टर डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब फर्स्ट सबसे बड़ा है, ठीक है, खाली 21 क्रोमोसोम छोटा है 22 से, ठीक है, तो ये पहले डिस्कवर हो गया था इसलिए उनको 21 लगा, फिर उन्होंने बाद में ये डिस्कवर किया, ओके, एंड एक्स ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा है, एंड वाई सबसे अगर देखोगे 21 से भी छोटा है वाई है, वाई क्रोमोसोम, ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ऑब्वियसली दिस इज कलर कोडेड, और ये याद रखो क्रोमोसोम में जो ऊपर का ये होता है ना, इधर आया, तो जैसे ही इसको ये तुम्हारा, ओके, तो इसको मैं बोलता हूँ पी आर्म, ठीक है, जो ऊपर है पी आर्म, और इसको बोलता हूँ मैं क्यू आर्म, ठीक है, फिर उसमें सेक्शंस रहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, उसमें डीएनए देख सकते, ठीक है, तो इतना याद रखो, इसको बोलते हैं पी आर्म क्यू आर्म, और ये ऑब्वियसली सेंट्रोमियर, ओके, सेंट्रोमियर का भी पोजीशन रहता है एक्रोसेंट्रिक है या जो भी है मेटासेंट्रिक है, देख लेना, ओके, therefore 46 total chromosomes रहते, ये सबको पता है, 300 billion nucleotide pair long है हमारा DNA, 300 billion मतलब क्या हो गया, sorry 3 billion, 300 नहीं sorry, 3 billion is approximately 300 crore nucleotides, ठीक है, base pair बोल रहे हैं तो आगे पीछे, okay, base pair, तो 300 करोड़ बेस पर, उसमें से 30,000 जीन्स है फाइंड आउट हुआ है, खाली 4 to 5,000 जीन्स को ही आइडेंटिफाई किया है, ओके, बार बार वही चीज़ हो रही है, एवरेज जीन्स एक जीन में करीबन 300 बेस पर लॉन्ग है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1,000 न्यूक्लियोटाइड्स तक बन सकता है, सॉरी 1,000 अमीनो एसिड्स तक बन सकता है, चलो आगे, ओके,
अच्छा जितने भी जीन्स है हम लोग ने देखे ना, 30,000 जीन्स है, ये अप्रोक्सीमेटली क्या बोला गया कि खाली 3% ऑफ जीनोम इनकोड्स अमाइनो एसिड, खाली 3% ही बनाता है, बाकी जो अमाइनो एसिड है वो पूरा का पूरा जंक है, यह रेपिटेटिव डीएनए से भरा हुआ है। ठीक है, रेपिटेड, तो रेस्ट ऑफ इट इज जंक। द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स, तो फंक्शन पता नहीं है। ठीक है, जो जीन्स हम लोग ने बोले ना 30,000 है, तो उसमें से खाली 5,000 ही जीन्स डिस्कवर हुए हैं, उसमें क्या बोला कि बाकी जो जीन्स हैं उसके फंक्शन अननोन है। ओके, ऑब्वियसली जब हम लोग बोल रहे हैं 3% ऑफ जीनोम इज कोड इज कोडिंग फॉर अमाइनो एसिड, बाकी 97% कर क्या रहे, तो 97% इसके कुछ डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, अभी तक तो फाइंड आउट नहीं हुए। ठीक है, होपफुली इन फ्यूचर फाइंड आउट होगा। एंड हमेशा याद रखो कि आपके जो क्या बोलते हैं, आपके बॉडी में कितने टाइप के सेल्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 200+ टाइप के सेल्स हैं। ठीक है, हर एक सेल में सेम जीन्स एक्सप्रेस नहीं होने वाले, ये याद रखो। अगर क्योंकि अगर सारे सेल्स में, हार्ट सेल में, मसल सेल में, ठीक है, आरबीसी में अगर सेम जीन्स एक्सप्रेस होने लगे तो फिर क्या होगा, सबका सेम ही फंक्शन रहेगा, सबका यूनिक फंक्शंस नहीं रहता, तो यूनिक फंक्शनैलिटीज ऑब्टेन बाय अनदर जीन्स। ठीक है, जो कि हो सकता है उनके फंक्शंस अभी तक अननोन है। ओके, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर वन हैज मोस्ट जीन्स, 2,900 जीन्स, अप्रोक्सीमेटली 3,000 जीन्स, एंड वाई क्रोमोसोम के सबसे कम है, विच इज 231 जीन्स। ओके, ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड चार बेस पेयर से बना रहता है, बट अगर तुम देखोगे ह्यूमंस टू ह्यूमन कंपैरिजन करोगे, ठीक है, हम लोगों ने ह्यूमन चिंपैंजी देखे, फिर ह्यूमन रैट देख या माउस देखा, ठीक है, 98% सिमिलरिटी, 99.3% सिमिलरिटी, बट अगर ह्यूमन टू ह्यूमन कंपैरिजन करोगे तो कितना परसेंट डिसिमिलरिटी है, मैं डिसिमिलरिटी की बात कर रहा हूँ। डिसिमिलरिटी कितना है, तो ये है 0.2%, और मैं बोल सकता हूँ कितना सिमिलरिटी है, 99.8% सिमिलरिटी। ठीक है, ओके, 99.8% सिमिलरिटी। ठीक है, तो ज्यादातर आपके जो चेंजेस है 0.2% किधर दिखते हैं, वो ज्यादातर आपको स्निप रीजन में दिखते हैं, विच इज नथिंग बट सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये हम लोगों ने देखा है अच्छा खासा देखा। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, ये स्निप से हम लोग सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म से हम लोग पोजिशनल क्लोनिंग कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा, एंड पोजिशनल क्लोनिंग को मैं पूरा पूरा 2 आवर्स दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा टफ है पढ़ाने के लिए। बट एक बार समझ गया तो ईजी हो जाता है। ओके, सो ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर का वन का मैप दे रखा है, तो आप देख सकते हो कि कितना डिटेल्ड है, यू पी आर्म क्यू आर्म। ठीक है, ओके, ये सारे के सारे जीन्स के बारे में बता रखे हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था, बेसिकली आपको जीन्स का सीक्वेंस पता करना है, ठीक है, एंड कौन से जीन्स प्रेजेंट है इन ह्यूमन वो पता लगाना है। तो प्रोजेक्ट को 13 ईयर्स लगे कंप्लीट करने में। ठीक है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी नॉट ऑफ इंडिया बट यूएस का, ठीक है, NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वो भी यूएस का ही है, वो पूरा मस्त बहुत अच्छा ग्रांट देता है, लाखों लाखों रुपए ग्रांट मिलता है। ठीक है, रुपए नहीं, डॉलर्स, इट इज इन मिलियंस। नेक्स्ट चलते हैं, माइलस्टोन्स देख लो एक बार, 86 में पहले प्रपोज किया गया, 1990 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, अच्छा इसमें इसमें वेलकम ट्रस्ट है, ये यूके का ट्रस्ट है, ठीक है,
आई थिंक यूके का ट्रस्ट है, यस। तो ये यूके भी ज्वाइन किया है इसमें रिसर्च में। ओके एंड जो ये ट्रस्ट है, ये अप्रोक्सीमेटली अगर तुमने प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया तो पैसे फंडिंग के लिए, तो ये आराम से 4 to 5 करोड़ देता है, ठीक है, रुपीस, इन रुपीस। बट उतना हाई लेवल आपका रिसर्च भी होना चाहिए। अच्छा, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव था और इधर वो लोग बहुत पीछे चल रहे थे, ये याद रखो, सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। फिर प्राइवेट कंपनी आया सेलेरा जिनोमिक्स, ठीक है, और उसने बैक इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, बैक इस किसने इंट्रोड्यूस किया सिक्वेंसिंग के लिए, सेलेरा जिनोमिक्स ने, क्रेग वेंटर है, होपफुली आपने नाम सुना रहेगा। ओके, इसने स्टार्ट किया और इसके वजह से क्या हुआ, जो जीन सीक्वेंसिंग का जो फीचर था वो बहुत ज़बरदस्त एक्सेलरेट हुआ, जिसके वजह से जो वर्क है वो आपका 3 इयर्स के अंदर कंप्लीट होना चालू हो, मतलब ड्राफ्ट, फर्स्ट ड्राफ्ट 3 इयर्स में हो गया। ओके एंड 5 इयर्स के अंदर जो आपका पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस हो करके हो गया। तो सबसे पहला जो क्रोमोसोम सीक्वेंस हुआ वो क्रोमोसोम नंबर 22 था, क्योंकि सबसे छोटा, सॉरी 22, हाँ नहीं सबसे छोटा नहीं, 21 इज स्मॉल। ओके, कंप्लीशन ऑफ वर्क ड्राफ्ट 2001 में पब्लिकेशन के लिए दिया था, और 2003 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, हो गए। ओके, बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट प्लेयर सेलेरा जीनोमिक्स, बहुत ज़बरदस्त एक्सेलरेशन मिला, नहीं तो 15 इयर्स के ऊपर जाता था, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अच्छा, गोल्स क्या क्या है, ये सब एक्चुअली फैक्ट्स है, तो मेरे को इधर समझाने की ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिफाई करना था सारे जीन्स को ह्यूमन में, जेनेटिक लिंकेजेस मैप निकालने थे, तो कौन सा जीन किससे, कौन से दूसरे जीन्स के साथ लिंक्ड है वो निकालने के लिए। फिजिकल मैपिंग, किधर किधर प्रेजेंट है, कौन से क्रोमोसोम में, कौन से सेक्शन में प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर जीन। ओके, जीनोम इंफॉर्मेशन इतना ज़बरदस्त निकल रहा था कि वो आईटी मैनेजमेंट यूटिलाइज करना, टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करना पड़ रहा था, या डेवलप करना पड़ा टू मैनेज ऑल दिस काइंड ऑफ सॉफ्ट डेटास, और उसका एनालिसिस भी। फिर जीन फंक्शंस भी डिटरमाइन करने थे, या ठीक है, एंड ऑब्वियसली 3 बिलियन जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है उसका सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना था। फिर इसको स्टोर पब्लिक डेटा बेसिस भी बनाना पड़ा था, जिसमें NCBI आगे आया। ओके एंड इसमें जो इंफॉर्मेशन पूरा उधर स्टोर्ड है, तो आप कभी भी जा सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। डेवलप टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, आप जैसे आपने रॉ डेटा दे दिया, बट उसका फिर आगे करना क्या है ना, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करना है या आपको क्या करना है, तो वो डेटा एनालिटिकल टूल्स बने भी बनाने पड़े। बेसिकली इधर आईटी सेक्टर का सबसे ज़बरदस्त बूम हुआ, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप तो इधर आप यू आर नॉट लिमिटेड टू ओनली प्राइवेट, सॉरी गवर्नमेंट प्लेयर्स, इधर आपको प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा ताकि स्पीड अप हो सके टेक्नोलॉजीज, ठीक है, तो उनको बेसिकली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी किया गया। अभी इसमें कुछ इश्यूज भी है, इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसमें अब आपको जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब आप उसका, ऐसा नहीं कि आपने उसमें सीक्वेंस चेंज कर दिए और आपने बोला कि ये नया सीक्वेंस मेरे को मिला कर, ऐसा नहीं कर सकते, आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियली ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि आपको अभी भी पता नहीं रहेगा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में किसका जीनोम उठाया था, ठीक है, किसका जीनोम उठाया था, कौन सी कंट्री का था वो बंदा या बंदी जो भी है, ठीक है। इंडिया से भी एक उठाया गया था, एंड इट वॉज फ्रॉम आई थिंक बिहार स्टेट, तो उसका जीनोम एनालिसिस किया था, मतलब उसका सीक्वेंस किया था। ओके, सो आई थिंक सारे कंट्री, सारे कंट्रीज नहीं, कॉन्टिनेंट से एक एक उठाया, तो देर वॉज अप्रोक्सीमेटली 6 ह्यूमंस के जीनोम प्रोजेक्ट किए, मतलब 6 ह्यूमन का सैंपल्स लिए, उसमें से एक इंडियन था। ओके, अभी
तो इससे क्या होता है, अगर कॉन्फिडेंशियलिटी मैंने रखी नहीं तो ऑब्वियसली तो अगर तो इसमें क्या होगा, अगर जीनोम इंफॉर्मेशन बाहर हो जाता है, ठीक है, एंड वी गेट टू नो कि ये किस कौन से बंदे से उठा है, बंदी से उठा है, या जीनोम एक्सट्रैक्ट किया गया, तो और आगे जाके कोई एनालिसिस से बताएगा कि इसको ये है, ये डिजीज है, फलाना डिजीज है, तो उसका ऑब्वियसली जो आपको डीएनए डोनेट करके दे रहे हैं उसका भी उसके ऊपर भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा। जो आपका सोसाइटी है उसको स्टिग्मेट उसके बोल सकता है कि हाँ इसको डिजीज, इसको ये डिजीज है तो इसके आजू बाजू जाओ मत, तो स्टिग्मेटाइजेशन होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा। ओके, रिप्रोडक्टिव इश्यूज हो सकते हैं, क्लिनिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद जीन टेस्ट फॉर ससेप्टेबिलिटी इन कॉम्प्लेक्स कंडीशंस। ठीक है, तो आपने जीनोम सीक्वेंस कर दिया बट ज़रूरी नहीं कि वो ह्यूमन नॉर्मल है, ठीक है, वो एबनॉर्मल भी हो सकता है। फेयरनेस इन एक्सेस टू एडवांस जीनोम टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने तक लिमिटेड रखो, यू कैन शेयर दैट सॉफ्टवेयर्स, या जो आप चेंजेस कर रहे हो सॉफ्टवेयर में, एल्गोरिथम में, तो आप शेयर करके यूज़ कर सकते हो, या आप आपको एक्सेस करने का सारे राइट्स है। आप अगर आप भी एनसीपीए में जाओ और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर देखो तो उसके साथ आपको टूल्स भी मिल जाएंगे, एडवांस टूल्स भी मिल जाएंगे, एंड यू कैन एनालाइज योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर। ठीक है, आगे चलते हैं। कंसेप्चुअल एंड फिलोसफिकल इम्प्लीकेशन, तो फिलोसफी सब जगह लोग झाड़ ही जाते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर साइंस फिलोसफी में ही अटक जाती है। हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली हेल्थ का तो ठीक है, बट एनवायरमेंटल इश्यूज क्यों हो सकते हैं, हो सकते हैं, जैसे आप इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, राइट, तो बाकी ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ पैरेलली मॉडल ऑर्गेनिज्म के भी जीनोम प्रोजेक्ट चल रहे थे, ठीक है, ओके, सो जितने भी मॉडल ऑर्गेनिज्म है उनको भी सीक्वेंस किया गया। ओके, कमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, आपको अगर पता चले कि किसी को ऐसा डिजीज है तो आप न्यू प्रोडक्ट लेके आ सकते हो, ठीक है, और बोल सकते हो कि आपका डिजीज क्योर हो जाएगा, बट वो बोलेगा कि मैंने तो जीन कुछ शेयर किया नहीं है, इधर को कैसे पता चला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन स्टैंडर्ड क्वालिटी इन स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल, तो इस पे भी आप ध्यान दे सकते हो, इसमें भी मतलब इसमें जो ट्रेनिंग की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है, आपको कैसे एनालिसिस करना है, रॉन्ग एनालिसिस नहीं करना है, ठीक है। फिर पेटेंट इश्यूज भी आते हैं, जैसे ये सेलेरा जेनोमिक्स है, उन्होंने आई थिंक बैक यूटिलाइजेशन चालू किया, उन्होंने ही बनाया था, तो उसके पेटेंट इश्यूज भी हो चुके थे। ओके, फ्यूचर चैलेंजेस क्या है, अभी तक हम लोग को क्या पता है, क्या कुछ पता है और बहुत कुछ पता नहीं, क्या क्या है, जीन कितने नंबर हैं, कितने नंबर है जीन नंबर, उसका एग्जैक्ट लोकेशन किधर है, और फंक्शन क्या है, ये अभी तक हम लोग को अननोन है। जैसे मैंने कितनी बार अभी रिपीट कर दिया, 30,000 जीन्स है, 5,000 जीन्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं, बाकी जीन्स का अता पता नहीं, ठीक है, मतलब पिन पॉइंट लोकेशन फाइंड आउट नहीं किया, उनका फंक्शन क्या है नहीं पता लगा। जीन कैसे रेगुलेट होता, फाइन रेगुलेशन हम लोग ने देखा ओपेरॉन्स के बारे में, राइट, बट ह्यूमन लेवल पे कैसे ऑपरेट होता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता, ठीक है। ओके, इसको भी फाइंड आउट करना बाकी है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम जब एपिजेनेटिक्स पाएंगे तो अब आपको समझेगा कि क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ओके, देर आर ऑल्सो लिमिटेशंस ऑफ नॉन कोडिंग, जो नॉन कोडिंग डीएनए, ठीक है, नॉन कोडिंग डीएनए जरूरी नहीं नॉन कोडिंग हो सकता है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से ये भी कोड करना चालू कर देगा क्या, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज है इससे रिलेटेड नॉन कोडिंग डीएनए से। इसके कितना क्वांटिटी में है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, एक जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है कि पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटेंट का इंफॉर्मेशन एंड फंक्शन नॉन कोडिंग डीएनए का, फंक्शन क्या क्यों है वो नॉन कोडिंग डीएनए, उधर क्यों डीएनए अपना हमारा जो क्रोमोसोम है उसको निकाल के फेंक सकता है, ठीक है,
एंट्रोन्स करने लेने की जरूरत ही नहीं। ओके आगे है कोऑर्डिनेशन और जीन एक्सप्रेशन। ओके तो इसमें क्या होगा, कैसे जीन एक्सप्रेशन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करता है। तो एक ही जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, देयर आर मल्टीपल जीन्स बीइंग एक्सप्रेस्ड एट अ टाइम। अगर मैं खाली ह्यूमन की बात करूँ तो एक सेकेंड में 80,000 प्रोटीन्स जनरेट हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम वेरियस जीन्स। ओके तो पूरी तरीके से पता नहीं लगा सकते कैसे वो इंटरेक्ट कर रहे एट अ मॉलिक्यूलर लेवल, वी डोंट नो। ठीक है तो इसमें हम लोग को जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल, प्रोटीन प्रोफाइल, प्रोटियोमिक्स एंड पोस्ट ट्रांसलेशन इवेंट्स के बारे में डीपर स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रेडिक्टेड वर्सेस एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन जीन फंक्शन। हम लोगों ने जीन फंक्शन प्रेडिक्ट किया कि ये एक पर्टिकुलर रोल प्ले कर सकता है, जैसे फॉस्फोलाइपेज, ठीक है, तो बेसिकली लाइपोज लाइपिड्स को तोड़ रहा है, ठीक है, बट उसका फंक्शन एक्सपेरिमेंटली कुछ और हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वही होगा। ओके आई थिंक ख़त्म होने वाला टाइम, थोड़ा सा मैं स्पीड अप कर लेता हूँ। एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन अमाउंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमंग ऑर्गेनिज्म। तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म कौन सा है ह्यूमन से, चिंपैंजी बोल सकता हूँ, बट अगर मैं बाकी ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करने जाऊँ तो थोड़ा सा हो सकता है दूर हो, कितना दूर है वो नहीं पता, कितने जीन्स कंजर्वड है हम लोग को नहीं पता, ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि DNA पॉलीमरेज है, RNA पॉलीमरेज है, जो इकोलाई में उसके कुछ फंक्शनल सिमिलरिटी है, जीन सिमिलरिटी विद ह्यूमन, ठीक है, तो मैं उसको ऑब्वियसली आई कैन नॉट कैटेगराइज ह्यूमन एंड इकोलाई इन सेम अंडर सेम जॉनर, ठीक है, और डिफरेंट जॉनर्स में। ओके अच्छा डिजीज ससेप्टेबिलिटी प्रिडिक्शन, मतलब हम लोग को प्रिडिक्ट भी करना है आगे जाके कैंसर होगा कि नहीं, आगे जाके ये पर्टिकुलर डिजीज होगा कि नहीं। जीन्स इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रेट्स एंड मल्टी जीन डिजीज, ठीक है, कौन से जीन्स इन्वॉल्व है कॉम्प्लेक्स स्ट्रेट्स में, जैसे आई का कलर है, तो इट इज़ नॉट डिसाइडेड बाई अ सिंगल जीन, इट इज़ डिसाइडेड बाई मल्टीपल जीन्स, 30-40 जीन्स का कुछ रहता है जो आई का कलर डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली सेम गोज फॉर डिजीज फॉर्मेशन ऑल्सो, तो जैसे कैंसर का बोला जाता है इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, मतलब करीबन 7-8 जीन्स म्यूटेट होते हैं तब जाके डिजीज होता है, नहीं तो नहीं होगा। डेवलपमेंटल में डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ईच एंड एवरी जीन का क्या रोल है वो भी हम लोग को देखना, ठीक है। वेक्टर कौन से यूटिलाइज किए गए, तो पहले नॉर्मल क्या बोलते हैं प्लाज्मिड्स यूटिलाइज कर रहे थे, तो कितना स्लो प्रोसेस होगा तुम लोग को ही पता, ठीक है। बाद में फिर जाके याक और बैक यूटिलाइज किया गया, याक यूटिलाइज नहीं किया गया ज़्यादातर क्योंकि वो अनस्टेबल हो रहा था, तो बैक यूटिलाइज किया, ठीक है, ज़्यादातर। और ये वेंटर लेके आए, क्रेग वेंटर, सेलेरा जेनोमिक्स वाला। ओके याक का तुमको पता है याक क्या होता है, बैक क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, टेलोमियर सेंट्रोमियर, ठीक है, ये एक बार पढ़ के ले लेना अच्छे से। क्लोनिंग कैसे कैरी आउट किया जाता है, और ओराई रहता है, राइट, मार्कर्स रहते हैं, ठीक है, पॉलीलिंकर रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे इंट्रोड्यूस होता है फॉरेन DNA उसके बारे में बताया, ठीक है, बैक के बारे में बताया, ठीक है। ठीक है इसको आपको चाहिए तो पढ़ लो, नहीं तो यू कैन स्किप बेसिकली। तो बेसिकली फॉरेन DNA जो इन द फॉर्म ऑफ जो क्रोमोसोम का पार्ट था उसको इंट्रोड्यूस किया बैक में, और बैक में फिर उसको क्या बोलते हैं सिक्वेंसिंग के लिए डाल दिए, सिंपल, ठीक है। तो ये एक बार देख लो, बैक और याक का डिफरेंस देख लो एक अच्छे से, दे आर इफिशियंट होना चाहिए बैक, ठीक है। ओके सो ये एक बार देख लो, आई थिंक एक और है मेरे पास, ये दो और है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, तो एक बार देख लेना और पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, होपफुली समझ में आया रहेगा, ऊपर से तो नहीं गया कि सब लोग सो रहे हैं, समझा सर, पक्का okay?